सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर सेकंड बायोलॉजी फर्स्ट का चैप्टर सेकंड लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वंशागति का आणविक आधार चैप्टर सेकंड बायोलॉजी फर्स्ट। आपके मैंने बहुविकल्पी टिक कर दिए हैं, आपके मैंने अति लघु क्वेश्चन टिक कर दिए हैं और आपके मैंने लघुतरी क्वेश्चन टिक कर दिए हैं सारे, और आपके मैंने दीर्घ भी टिक कर दिए हैं। तो मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ जो आपके यूपी बोर्ड में, और बाकी जितना होगा आपके क्वेश्चंस वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिंक में मिल जाएंगे। पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को पूरा फुल पढ़ेंगे, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। आपको ऊपर ही डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पर आप पीडीएफ पूरा पढ़ा करिए, सॉरी डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ा करिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या दे रहा हूँ। इसलिए आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और आपको वहीं पर लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे क्रोम से। तो मैं आपको लघु में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको जो आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड का है, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। देखिए कितना ज़्यादा पूछा जाता है, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 2016 में आया था, 2017 में नहीं आया, 2018 में रिपीट हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 नंबर में आता है आपका बायोलॉजी में, 50 नंबर में 2 नंबर का आपका ये आता है। और अगर आप ये आ गया तो बहुत अच्छा से लिखेंगे आप, सेम इसी तरह बना करके लिखिएगा, एक तरफ डीएनए डालिएगा दूसरी तरफ आरएनए डालिएगा और अच्छे से लिख दीजिएगा जैसे इसमें भाषा लिखी है। तो इसकी मैं पीडीएफ बना करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको अगला क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा क्या है, इस शर्करा की अणु संरचना, ये अणु संरचना जो बनी है ना फ्रेंड्स, ये आपको तैयार कर लेनी है, ज़्यादा मुश्किल अणु संरचना नहीं है। HCCH2C सिंगल बॉन्ड है सब फ्रेंड्स, सिंगल बॉन्ड H, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड करके OH नीचे लगा दीजिएगा, फिर सिंगल बॉन्ड करके H लगा दीजिएगा, फिर H और 3, 2, 1, 4 और ऊपर 0, फिर सब सिंगल बॉन्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिख दीजिएगा HOCH2C, ऊपर लिख दीजिएगा 5, यहाँ लिख दीजिएगा OH और यहाँ HO। तो आपकी ये थोड़ी भाषा लिख दीजिएगा, भाषा आपको मैं फोटो खींच करके अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगला इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का आपका अंतर पूछ लेगा यूपी बोर्ड में, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, केवल यही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बाकी इंपॉर्टेंट टिक लगे हुए हैं आपके, याद कर लीजिएगा। और आपका है इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी कोई 4 विशेषताएँ बताइए, 4 विशेषताएँ लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हेटेरोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैट्रीन में अंतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेटेरोक्रोमैट्रीन तथा यूक्रोमैट्रीन में अंतर। फिर आपका अगला है डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और डीएनए के द्विगुणक में इसका क्या महत्व है, अथवा करके आता है आपका डीएनए की संरचना में वाटसन का क्रीक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनाकर समझाइए। वाटसन क्रीक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप अच्छे से मेरी बात सुन लीजिए। वाटसन का क्रीक का मॉडल ये देखिए बना हुआ है, ये आपको फोटो में आपको दे दूंगा, और आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं आपकी, और आप अपनी क्वेश्चन बैंक से याद कर लीजिएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो टिक मैं लगा दूंगा, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, याद अपने क्वेश्चन बैंक से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्वेश्चन आपके सब मिल जाएंगे आपकी क्वेश्चन बैंक में। तो आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट था अनुवांशिक कोड क्या है, अनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले एक प्रारंभ में एक समाप्त कोडन स्पष्ट कीजिए। तो आपके यहाँ पे आपको मैं इसकी पूरी फुल डिटेल आपको पीडीएफ में दे दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं टिक उनको केवल याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद करने हैं, आप वहाँ से जा करके तैयार कर लीजिएगा। वंशागति का आणविक आधार है चैप्टर का नाम, चैप्टर सेकंड है, बायोलॉजी फर्स्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।